अगले कॉलर हैं यूवी हमारे साथ, स्वागत है आपका हेलो, जी। बताइए मुझे ना थायराइड है। कब से है? मेरी एज 26 है, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, ठीक है। और देखिए थायराइड का एक बेहतरीन इलाज है, अगर आप लिख लें तो इलाज है, नहीं लिखेंगे तो इलाज नहीं है। थायराइड के लिए ये नुस्खा मैंने जिसको भी दिया उसको ऊपर वाले ने फ़ायदा दिया, आप भी लिख लीजिए। 300 ग्राम धनिया का दाना, सूखा हुआ धनिया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आपको लेना है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये नकली भी मिलता है, तो सफ़ेद वाला लेना है गौंद मोरिंगा सफ़ेद। इन सबको पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं। वो गोली भी जारी रखें जो डॉक्टर देता है, और हर महीने आपकी गोली की पोटेंसी कम होती जाएगी, और 7-8 महीने अगर आप लें ये नुस्खा, वो गोली भी लें, तो डॉक्टर आपकी गोली हमेशा कम करता जाएगा और 7-8 महीने में वो छूट भी सकती है, फिर ये भी छोड़ सकते हैं, आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर से राजस्थान से हैं योगी जी, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, बताइए। एक बच्चे का सर वो मैडम वो तीन मुहासे हैं मुंह पर किसके बच्चे के जी, एज क्या है उनकी? ये तो ऐसी मानो 17-18 साल। ठीक है, ठीक। देख कुछ पेशेंट बच्चों और बच्चियों के ये कील मुहासे होते हैं, और इसके लिए एक नुस्खा है बड़ा अच्छा। देखिए एक आता है मोरिंगा का गोंद सफ़ेद वाला, गोंद मोरिंगा सफ़ेद इसको कहते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, एक लाल भी लोग बेच रहे हैं वो नकली है। सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर इस बच्चे को पिला दिया करें तो इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। रजत जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है रजत जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा सर से ये क्वेश्चन था, 28 साल उम्र है हमारा और पेट में ना पथरी हो गया है जिससे हमें बहुत पेन होता है, तो इसके लिए कुछ उपाय भी अगर बता दें। किडनी में हुआ है क्या? 28 साल सर और पथरी हो गया है मेरे। नहीं, कौन सी जगह पर है, पित्ते में या किडनी में? जी पित्त की थैली में। पित्त की थैली में। तो देखिए पित्त की थैली में अगर 2-3 mm की पथरी है तो वो निकल सकती है, इससे बड़ी है तो ऑपरेशन बेहतर है। आप समझ लें कि अगर 2-3 mm की है तो एक नुस्खा आप ले सकते हैं 1 हफ्ते तक, और उसमें होगा तो निकल जाएगी, नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और किडनी की कितनी भी बड़ी पथरी हो उसका निकलना मुमकिन है। जैतून का तेल जो खाने वाला होता है 3 चम्मच, और जैतून का सिरका 3 चम्मच, आप 1 गिलास पानी में डालकर और इसे रोज़ाना सुबह खाली पेट लें, और वैसे तो 3-4 दिन में ही निकल सकती है अगर छोटी है, लेकिन आप 1 हफ्ते तक कोशिश कर सकते हैं, अगर छोटी होगी तो निकलना मुमकिन है। कॉलर जम्मू कश्मीर से हैं, पंकज शर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, 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 हाँ जी पंकज जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम ये प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ भी खाऊं फिर लगता नहीं है। 21 क्या है आपकी? 21 जी। बॉडी बनानी है तो एक नुस्खा बॉडी बनाने के लिए भी है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गौन मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना, ये रॉ मटेरियल ले लें सफ़ेद वाला ही लेना, और आधा ग्राम दूध में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करिए, आपकी सेहत ठीक होना मुमकिन है। गीता जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे पेट में गांठ है, एक की गांठ तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें कोई नहीं आई थी गांठ, लेकिन एंडोस्कोपी कराई तो उसमें फेट की गांठ बताई, तो जी पेट में गांठ है या गुर्दे में गांठ है? गुर्दे में नहीं है, पेट में है, मतलब पेट में खाल में। जी हकीम साहब,
हाँ देखिए, अगर वो तकलीफ़ नहीं देती है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना भी हो सके आप गर्म पानी पिया करें। गर्म पानी भी ऐसा है कि खूब जलता हुआ, और अगर बाकायदा इलाज करना चाहते हैं तो नमक आता है जैतून का, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, तो दो चुटकी जैतून का नमक, ये रसायन होता है जैतून का, एक गिलास गर्म पानी में डाल के सुबह और शाम पिया करें, आपको राहत होना मुमकिन है। कॉलर राजस्थान से दिनेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी बोलिए हाँ, उनके ना खून बवासीर है जी। एज और क्या है उनके एज 50 है, खूनी और क्या दिक्कत है? है या बादी है? है। ठीक है, देखिए खूनी बवासीर भी ठीक हो सकती है, लेकिन नुस्खा लिखना ज़रूरी है, अच्छे से लिखें, जो मैं बोलूँ वो उतनी ही क्वांटिटी में लिखें जितना मैं बताता हूँ। एक आता है कत्था, जो पनवाड़ी इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं कत्था सफ़ेद, ये 100 ग्राम लें कत्था सफ़ेद, और एक दवा का नाम है लाजवंती, ये भी 100 ग्राम बीज लें, और एक दवा का नाम है रसवंती, ये एक गौन टाइप का है, और एक दवा का नाम है गौन मोरिंगा, इन सबको 100 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और चने या उससे बड़ी गोलियां, चने के बराबर या उससे बड़ी गोलियां बनाएं, और रोज़ाना सुबह शाम पानी के साथ दें, खाने से पहले देना बेहतर है, काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन आपके पति का ठीक होना मुमकिन है। बात नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से हूँ, मोहनलाल नाम है सर मेरा। चलिए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि मेरे वो पेशाब की जगह यूरेथ्रा इस्फिंक्टर है। ठीक है ठीक ठीक है, है जी। हाँ बहुत दवाएं हैं इसकी, तो आप ले सकें तो जैतून का नमक कहते हैं इसे, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, ये इन्फेक्शन का अच्छा इलाज है। जैतून का नमक यानी एस्टेक जैतून भी कहते हैं इसको, और रसायन जैतून भी कह सकते हैं हिंदी में, ये ले लें 100 ग्राम, और एक या दो चुटकी एक गिलास पानी में मिला के दिन में एक बार या दो बार लिया करें, आपको फ़ायदा तो बहुत जल्द होगा, लेकिन आप इसे पूरे 100 ग्राम गोंद वो नमक जैतून को ख़त्म करके ही चैन लें ताकि दोबारा ना हो सके। कॉलर हैं प्रीति गुप्ता, स्वागत है आपका प्रीति जी। हेलो हेलो, जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोरबा से बोल रही हूँ। ठीक है, सवाल क्या है आपका? ये मेरी गुड़िया है, वो 13 ईयर्स की है, वो बोलने में थोड़ा हकलाती है, बीच बीच में अटक अटक की बात करती है वर्ड। जी ठीक है। हाँ प्रीति जिंटा जी, देखिए काली मिर्च पीस कर रख लें अपने हाथ से, और एक चुटकी में जितनी आए काली मिर्च, एक चम्मच शहद में मिला के यानी हनी में मिला के बच्ची को रोज़ाना एक बार चटा दिया करिए, ये 2 हफ्ते तक दें, और अगर आपको कुछ फ़ायदा लगने लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक खुराक और शाम को भी दे सकते हैं, ये इलाज करेंगे तो आपकी बच्ची को फायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, सुखलाल जी हैं फरीदाबाद से, स्वागत है आपका। जी बताइए। सर ये मेरे पिंडली सूजन आती है, पिंडलियों में सूजन आती है जी, और ये घुटने तक और ये सारा शरीर एकदम टूट जाता है सर। उम्र क्या है आपकी? 80 साल। 80 साल जी। देखिए बहुत ख्याल रखिए अपना, और बहुत मेहनत अब बिल्कुल मत करें, और इसकी रिपेयर हो सकती है लेकिन जितनी आपकी उम्र है इतनी रिपेयर यानी 80% रिपेयर मुमकिन है, 20% फ़ायदा ना हो तो शिकायत ना करें। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल
कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लिया करें, नाश्ते और खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से, और शुगर नहीं तो जूस से भी ले सकते हैं। जिससे भी लेंगे आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन संयम रखें, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है इस दवा से, और अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने लगातार खाना दवा, ताकि फिर ये रोग आपके जीवन में ना आ सके। जयपुर से अगले कॉलर हैं कमल यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, बैद जी से बात कर रही थी। जी जी यादव साहब, आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे क्या है कि पेट तो कम, गर्दन है, गर्दन के नीचे एक तो नस दबी हुई है मेरे, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों पंजे है ना वो हो रही है मेरे। सुन, समझ गया, उम्र बता दीजिए अपनी। झंझनाहट होती है, और दूसरा ये क्या है कि एक अपने हिप्स के ऊपर जो है, हिप्स के ऊपर है उसमें नस दबी है, उसकी भी राइट पैर है ना वो मेरा पूरा सुन्न हो रहा है। जी ठीक है, ठीक है, ये दो है और पेट एट है। ठीक है यादव साहब, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर वज़न उठा लेते हैं तो वज़न उठाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट अनिवार्य है, ठीक है, कुर्सी वाला बाथरूम आपके लिए ज़रूरी है। और एक दवा बताता हूँ और एक इलाज यानी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बताता हूँ, ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो देर तक इलाज करना। देखिए ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, और ये ऐसे ऐसे आप जहाँ भी हों ये करते रहें, दिन में 3 मिनट करना ज़रूरी है, ठीक है। और 3 मिनट ऐसे ये पूरी मोड़ दीजिए, तो यहाँ तक आ जाती है ये। जिस दिन यहाँ तक आने लगी आपकी, जैसे मेरे आती है, उस दिन आप ठीक हो जाएंगे। इसमें 10-15 दिन लगते हैं। ये एक्सरसाइज करनी है 3-3 मिनट रोज़ाना, एक साथ कोई नहीं कर सकता, तो 1-1 मिनट करके, आधा आधा मिनट करके 3-3 मिनट कर पूरे करने हैं, ठीक है। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाएं, नाश्ते और खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। जिससे भी लेंगे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन 5-10 दिन सब्र करना, उसके बाद फ़ायदा शुरू होगा। अगले कॉलर अंकित गुप्ता, स्वागत है अंकित। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, नासिम जी से बात करनी है मुझे। जी बात करिए। जी गुप्ता जी आदाब। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे दोनों एड़ियों में दर्द होता है, सुबह जैसे मैं उठता हूँ और उठ के अपने पैर रखता हूँ तो एड़ियों में दर्द रहता है, और चलते चलते कम हो जाता है, फिर मैं बैठ जाता हूँ फिर उठता हूँ तो दर्द होता है। और मैं डॉक्टर ने बताया थोड़ा हड्डी पे सूजन है, हड्डी बढ़ी हुई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गुप्ता जी आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु? आयु मेरी 30 साल। अच्छा बैठने का काम है क्या आपका? नहीं मैं टीचर हूँ सर। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए ये सूजन नहीं होती मेरे अनुभव के अनुसार, यहाँ कमर में हमारे हिप से ऊपर कुछ नर्व दबने लगी हैं, और जब भी आप आराम करेंगे काफ़ी देर तक और उठ के चलेंगे तो थोड़ा ऐसा लंगड़ा के या लंग करके चलेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे। ये शुरुआत है साइटिका की, यानी रगें दबने की शुरुआत है, और अपने ये बगैर, अभी तो शुरुआत है तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं दवा भी बता देता हूँ। एक तो ये करें कि सीधा खड़े हो जाएं और घुटने बगैर मोड़े, और पैर के पंजे ऐसे मिला लें सीधे खड़े होकर, और घुटने बगैर मोड़े अपना पैर छूने की कोशिश करें। ये दिन में आप कितने भी बार कर सकते हैं, 10 बार 20 बार, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और वेस्टर्न टॉयलेट अगर आपके घर में हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये कुर्सी वाला बाथरूम, और वैसे तो इसी से ठीक हो जाने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दवा भी बता दूँ, या ऐसे और लोग भी होंगे जो हज़ारों लोग सुनते हैं बात को जिन्हें दवा की ज़रूरत है, तो या तो गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, आधा आधा ग्राम सुबह शाम आप खाएं नाश्ते और खाने के बाद, ये असली मिलना चाहिए, कड़वा होता है, नकली बहुत मिलता है। या फिर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं नाश्ते और खाने के बाद,
पानी दूध या जूस से भी ले सकते हैं, जिससे भी लेंगे फायदा मुमकिन है।